गुरु और शिष्य के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है। गुरु एक घने वृक्ष की तरह अपने शिष्य को हर तरह से छाया प्रदान करता है, चाहे वो एक पिता की भूमिका में हो, एक गुरु की, या फिर एक पथ प्रदर्शक की। लेकिन बेगूसराय में एक ऐसा मामला सामने आया है जो थाने तक जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक राहुल कुमार ने मामूली बात पर अपने छात्र को कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री से दाग दिया। वहीं पीड़ित छात्र प्रेम कुमार और उसके परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे को इस लॉकडाउन के दौरान हाईस्कूल के शिक्षक राहुल कुमार और चंदन कुमार की निगरानी में रखा था और वहीं से प्रेम कुमार की पढ़ाई लिखाई भी हो रही थी। लेकिन शनिवार की शाम किसी बात को लेकर राहुल कुमार और चंदन कुमार को गुस्सा आ गया और उसने कपड़े पर इस्त्री करने वाले आयरन को गर्म करके प्रेम कुमार को दाग दिया। छात्र की दुर्दशा देख उसके परिजनों ने आज नीमा चांदपुर थाने में लिखित रूप से आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध आवेदन दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक राहुल कुमार और चंदन को हिरासत में ले लिया है। क्या चीज पहले क्या चीज पीटे थे? फिर क्या हुआ? अच्छा, ये क्या चीज से आयरन से मतलब दाग दिए थे? अच्छा, कौन थे, क्या नाम था सर का? राव सर, चंदन सर। दोनों मिल के मारे थे? हाँ। यस सर। क्या पढ़ाते हैं वो स्कूल में? स्कूल में क्या पढ़ाते हैं वो? अच्छा, क्या नाम है स्कूल का, क्या नाम है? वहीं आरोपी शिक्षक राहुल कुमार का कहना है कि किसी साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। राहुल का कहना है कि अपने बेटे की हरकतों से परेशान होकर उसके माता पिता प्रेम को राहुल की निगरानी में छोड़ गए थे, जहां से एक दिन छात्र प्रेम कुमार चकमा देकर फरार हो गया और इसी दौरान वो किसी आग के अलाव पर गया जिससे वो जल गया। अभी लॉकडाउन में पूर्ण रूप से स्कूल बंद है, ठीक है, और हम लोग विद फैमिली तीन आदमी जो है सो वहाँ पे रहते हैं, तो दो बच्चा उसके साथ जो है सो समझ गए, वो है उसके बगल के, वो बच्चा उसके हम अपने मोबाइल पे दिखाएंगे, तो वो बच्चा उसकी मम्मी जबरदस्ती जो है सो सर रख लीजिए, भर दिन टिकला तोड़ेगा, बकरी चराएगा, इस ढंग से कह करके मतलब उन लोगों ने रखवा दिया, समझ गए। और वो बच्चा हमारा बहुत सारा सामान क्षति करके मतलब हर एक दो दिन तीन दिन पे एक मतलब आदमी उसके पीछे हर हमेशा रखना पड़ता था, समझ गए, वो भाग जाता था हर हमेशा मतलब जो है सो। और मम्मी उसकी बार बार फोन करके जो है सो कहती सर ले जाइए, हम लोग लाने के लिए उसको तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चा हम सब कह दिए थे, कान पकड़ लिए थे, बोले थे अब उस बच्चे को हम नहीं रखेंगे, समझ गए। उसके बाद वो बच्चा क्या किया नहीं किया पता नहीं, जो है सो हम लोग को शनिवार को उसको पकड़ के लाए और संडे को हर एक आदमी जानता है जो हम घर चले जाते हैं, समझ गए सर, हम अपनी वाइफ के साथ हमारा घर मंझौल हुआ, समझ गए, चले जाते हैं। और इसी क्रम में ये सर अकेले थे, और जब हम सोमवार को आए तो सोमवार को भी इस चीज़ का हमको पता नहीं, मंगल को पता चला जब वो बैठ करके पढ़ रहा था, तो हम बोले बैठ के बैठ रहा है तो बेंच पे मतलब वो उसका लग गया, हम बोले ये कैसे हुआ, तो बोलता है सर भाग रहे थे सो घुरा पे गिर गए जल गए, समझ गए, जो हमको वो बताया। तो उसके अगला दिन जस्ट उसकी मम्मी देखी तो बोली सर यहीं रह के वहाँ ठीक क्या दियो, भर देते भर दिन बोलते ठीक नहीं होते, हम नहीं रख रहे थे, समझ गए। तो उन लोगों ने यह कह करके हमको रखवा दिया, हम दवाई सुई सब बात की और आराम हो गया है टोटली, अभी भी 90% उसका आराम है, 10% ही खट्टी आ गया है, वो आराम है, समझ गए। तब संडे को भी जब हम घर जाने लगे तो इस सर को रिपोर्ट कर दिए, और वो बच्चा ऐसा है सर
जो मतलब रूम में बंद करके बाहर से ताला मार दिया, ठीक है, ये सर गेट पे सो गया और वो लड़का खिड़की तोड़ करके जो है सो टोटली रूप से सीपीयू कंप्यूटर रूम में बंद किए थे, सीपीयू सबको ध्वस्त करते हुए खिड़की तोड़ते हुए निकल करके, बिल्कुल गलत है। मामला जो भी हो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने छात्र के परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।